हमको करीब 7 लाख बच्चों से वसूल की गई है। थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है पर मेरा मोटा अनुमान है कि 240 करोड़ से कम किसी हालत में। जबलपुर में केवल 7 लाख विद्यार्थियों से लगभग 240 करोड़ रुपए के आसपास की अवैधानिक फीस वसूली गई है। जी हाँ, ये आंकड़ा सुन करके जितना आप चौंक रहे हैं, अभी तो और भी कई बातें हैं ऐसी जो आपको हैरान और परेशान कर देंगी। अभी जबलपुर के 11 स्कूलों पर जबलपुर के कलेक्टर के द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसमें उन 11 स्कूलों के मैनेजमेंट जो स्कूल प्रबंधन है उसमें जो 20 लोग हैं आरोपी बने हैं। ये मामले तरह तरह के हैं, फीस वृद्धि को लेकर के है, मनमाने रेट को लेकर के है, एक ही दुकान से सामान खरीदने के, कॉपी किताब खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को बाध्य करने के लिए है। ऐसे ही 11 स्कूलों पर FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें से लगभग 20 आरोपी जो है ऐसे मिले हैं जो जिन पर FIR उनके ऊपर भी दर्ज कर ली गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कौन से वो स्कूल हैं जिन पर कार्यवाही की गई है और कितने लोग हैं, उन सभी की सूची मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी 11 स्कूलों के नाम बताए हैं और उन्हीं स्कूलों पर लगभग 22 लाख रुपए का जुर्माना भी जबलपुर कलेक्टर के द्वारा, जबलपुर प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है। अब उन जो 22 स्कूल हैं उनके नाम भी मैं आपको, अभी कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूं वीडियो में, जिसमें पहला स्कूल है क्राइस्टचर्च, उसके बाद में आता है स्टैनफील्ड स्कूल जो कि विजयनगर में है, फिर आता है क्राइस्टचर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ISC, फिर आता है चैतन्य टेक्नो स्कूल जो कि धन्वंतरी नगर में है, फिर आता है सेंट अलोयसियस पॉलीथर, फिर आता है इसके बाद में छठवां नंबर ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल का, फिर इसके बाद में 3 स्कूल, अभी 6 स्कूल और बाकी हैं जिसमें एक और है सेंट अलोयसियस का जो कि सदर में है स्कूल और लिटिल वर्ल्ड स्कूल है। इसके अलावा हम देखते हैं तो क्राइस्टचर्च बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि सिविल लाइन में पढ़ता है, और फिर आता है फिर सेंट अलोयसियस, फिर से एक बार सेंट अलोयसियस है रिमझा में, इसके बाद में है क्राइस्टचर्च है जो कि डाइजेशन स्कूल है, जबलपुर का ही स्कूल है। मतलब ये 11 स्कूल हैं और बड़े स्कूल हैं और इन 11 ही स्कूलों के प्रिंसिपल को तो अरेस्ट कर लिया गया, साथ में ही इनके ऊपर 22 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पाएंगे अभी वीडियो में आप जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी को सुनेंगे। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड नहीं करते, जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी ही नहीं है तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि उनका रिसीविंग कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, वो कितना उनका खर्चा हुआ है और कितना पैसा उनके पास आया है। अभी हमने कल 11 स्कूलों की जाँच की है, ये पता है कि उनका जो 5 लोगों के तहत जो लिमिट थी कि वार्षिक प्राप्ति आगे कैसे कुल प्राप्ति 15% से कम होना चाहिए तब आप फीस वृद्धि कर पाएंगे, वह 15% से ज़्यादा है, कई कई जगह तो 40%, 48%, 50% तक, इसके बावजूद उन्होंने फीस बढ़ा दी। अब फीस उन्होंने बढ़ा दी, बढ़ा तो सकते नहीं थे, जो हमको करीब 7 लाख बच्चों से वसूल की गई है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है पर मेरा मोटा अनुमान है कि 240 करोड़ से कम किसी हालत में। तो ये फीस का पूरा के पूरा जो दुष्चक्र है, मतलब 2017 में राज्य सरकार ने अधिनियम लागू किया, अधिनियम लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि आप मनमानी फीस आप लगा देते हो, मनमाने तरीके से वसूल करते हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। पर आप देख लीजिए कि निजी स्कूलों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि जो रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस की उन्होंने कोई बदल नहीं किया, और अपनी जो उनकी पुरानी मनोवृत्ति चल रही थी उस मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया और इस तरीके से फीस की वसूली हुई। नेक्स्ट आइए, ध्यान दो। अब पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी की बात कर लें नियमों के हिसाब से। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, पब्लिक डालना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये किताब लेंगे, ये स्टेशनरी लेंगे, और ये कहना पड़ेगा, सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर से नहीं, आप दुनिया जहान के जितने लोग बेचने वाले हैं उनसे आप खरीद सकते। ये स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण सार्वजनिक करें, पालकों को बताएं कि आपको हम नहीं कह रहे कि आप किससे खरीदें, आप किसी से भी खरीद सकते हैं, जिसमें वो ये कहेंगे कि हमने जो पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं उसको पब्लिक कर दिया है और बच्चों को और पालकों को बता दिया है कि आप खुले बाजार से क्रय कर सकते हैं, किसी और जगह से क्रय करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वो एक एफिडेविट हर साल फाइल करें। ये नियम, अब नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं, पहचान के बच्चे पढ़ते हैं, आप जानते हो कैसे,
आगे क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से पुस्तकों में स्टेशनरी में मिशन पूरी की जाती है। नंबर एक, एक पर्टिकुलर क्लास में जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें डाल सकते हो उतनी डाल दो। यदि एक किताब से काम चल रहा हो चार डाल दो तो आपका खर्चा चौगुना हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, जैसे मान लो आज आपने एक किताब चालू की, नई किताब चालू, वो किताब यदि आपने मार्केट को ओपन कर दी कि किताब आज चालू हो गई है, मान लो ये नाम की कोई किताब है चालू हो गई, अब अगले 5 साल तक ये जो किताब चलेगी तो उसको मोनोपोली नहीं रहेगी, क्योंकि सब विक्रेताओं को मालूम रहेगा कि ये वाली किताब अगले साल भी चलेगी, तो लोग पहले से स्टॉक करके रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हर साल नई से नई किताबें लेके आते हैं। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कितने किताबें लेके आते हैं। तीसरी बात, जरूर से ज्यादा किताबें लगाई, नई किताबें लगाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो किताबें लगाई वो फर्जी और डुप्लीकेट थी, उनके ISBN नंबर फर्जी, उनका कहीं होता सोता कुछ पता करना हो उनके अथॉरिटी के बारे में तो पता नहीं चलता। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो जानकारी है मेयर का कहता है कि जानकारी आप पब्लिक करेंगे, सार्वजनिक करेंगे, ये लोग जानकारी केवल चयनित पुस्तक विक्रेता को देते हैं। हमने हमारी जांच में ऐसे कई सारे सबूत लिए, 25 मार्च को सार्वजनिक किए, 25 मार्च को उन्होंने बताया कि हमारी 50 किताबें ही चलेंगी, और 50 में से मान लो उन्होंने कहा कि 30 हमारी नई किताबें चलेंगी, तो वो तो 25 मार्च के बाद ही ऑर्डर हो सकता था, क्योंकि पब्लिक तो आपने 25 मार्च को किया, पर काफी सारे पुस्तक विक्रेताओं ने 30 किताबों के जो कि 25 मार्च को उनके सप्लाई ऑर्डर दिसंबर और जनवरी के महीने में जारी कर दिए। तो ये बताता है कि आप जिस किताब को आप लेने वाले हो उस किताब की पृष्ठभूमि आपने पहले से ही बनाने की मोनोपोली बना दी, मतलब आपकी आपराधिक षड्यंत्र तो साठगांठ तक काम है आपका पहले ही शामिल हो गया, और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब तो इस प्रकार से इन्होंने मोनोपोली बनाई। अब मोनोपोली बनाने के बाद MRP के लिए डिसाइड करें, यदि ISBN है तो MRP का डिसाइड करने का तरीका सिस्टमेटिक होता है, पर चूंकि फर्जी किताब है तो आपको जो MRP डालना है आप डालिए। मोटे तौर पर यदि आपकी फर्जी किताब है जिसका ISBN नंबर फर्जी है तो उस किताब की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट केवल उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसके अलावा तो और कोई मूल्य नहीं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत मूल्य यदि आप जोड़ सकते हो तो आप उसका हैंडलिंग का मूल्य जोड़ सकते हो। मोटे तौर पर जो जबलपुर के प्रमुख पब्लिशर्स हैं, छापते जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके हमको ये मोटा मोटा आइडिया था कि 90 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक पर पेज के हिसाब से किताब छपती, पैसा जो है जो जितनी छोटी किताब होगी पैसा उतना ज्यादा लगेगा, मतलब 100-125 के पेज के लिए किताब है तो 1.5 रुपए में छपे पर पेज के हिसाब से, पर यदि मान लो 400-500 पेज की किताब है तो वो 90 ISBN वाली पुस्तकें हैं, उन फर्जी ISBN वाली पुस्तकों की उस MRP में मार्जिन कितना है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये मार्जिन जो है 70%, 80%, 90%, तो कई बार 100% से ज्यादा है। एक चीज और हमने इस बात को जांच में ली है कि जब इन्होंने किताबों के सप्लाई ऑर्डर दिए तो इनको कितना डिस्काउंट दिया, और उस डिस्काउंट पे इन्होंने बच्चों का कितना पास आउट किया। कई सारे केसेस में, मतलब एक केस में तो ये किताबें फ्री में लेके आए, मतलब उसके बाद किताबें किसी काम की नहीं बची होगी कि किताबों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए 11 स्कूलों में जब हमने किताबों को देखा और इसको चेक किया तो इसके हिसाब से इनका जो वजन होना चाहिए शासन द्वारा जो निर्धारित सीमा है
कुछ 831 किलो की। और इनका जो एक एक का जब चेक किया तो निकल क्या है 993 के जी, 431 के एनएस में 993 के जी आया। अब 431 की वजन की जो किताब है उसकी जगह आप लोगों को बाध्य कर रहे हो कि आप 993 किलो की किताब खरीदो। तो जब आप 993 किलो की किताबें यदि आप खरीदते हो तो कितना पैसा खर्च होता है एक्स्ट्रा, वो खर्च होता है करीब 4 करोड़ 3 करोड़। तो जब 4 करोड़ खर्च होता है और आप देख रहे हो हर किताब में 40% 50% का मार्जिन है, तो ये फिर एक तरीका कमीशन खोने का ये भी कि आप जबरदस्ती किताबों की संख्या बढ़ा देते हो, बच्चों को बाध्य करते हो किताबें खरीदने के लिए और फिर उन किताबों का कमीशन खोल देते हो। आगे दूसरा तरीका है नई किताबें लगाने का। नई किताब लगाने का मैंने आपको बता दिया कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यदि आपकी पुरानी किताब है तो पुरानी किताब पे आपको पुरानी किताब मार्केट में आ चुकी है तो उसकी जो कीमत होगी वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि नई किताबें लगाते हो हर साल। आप आंकड़ा देखो 11 स्कूलों में 1907 किताबें हैं, 1907 में से 1223 नहीं, 64%। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनके पूरी की पूरी किताबें हर चेंज कर रहे हैं 100 के 100%, किसी का 60%। जब आप पाठ्यक्रम में नई किताब आप लगाते हो तो नई किताब को लगाने का आपको चित्र प्रदान करते हो, पुरानी किताब को क्यों हटा रहे हैं, नई किताब को क्यों चला रहे हैं। जब इन्हें हमने इनसे कागज मांगे कि भाई आप हमको कागज दीजिए कि आपकी टीचर ने भी बन किया कि बच्चों ने कहा कि सर इसमें कुछ गलती है, कोई एक्सपर्ट कमेटी आपकी बनी, ऐसा कोई कागज इनके पास नहीं। तो किसी किताब को आप क्यों ले रहे हो और किसी किताब को क्यों बाहर कर रहे हो, ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति सामान्य तौर पर स्कूलों में वो व्यक्ति है जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं, वो ठीक पीछे केवल ये देखता है कि किस किताब में बिजनेस ज्यादा मिल रहा है, किस किताब में बिजनेस कम मिल रहा है, इसको बाहर करो इसको नहीं लेके। तो इस तरीके से कमीशन खोरी का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक सांठगांठ का एक तरीका नई पुस्तकों के माध्यम से भी निकाला गया। नेक्स्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीज बगैर जानते पूछते बगैर सोचे समझे हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको इसका जो प्रेजेंटेशन है जैसे ही ये खत्म होगा मेरा प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप फोटो नहीं भी खींचोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें देखिए जो 11 स्कूलों में हमने किताबों की जांच की है उसमें लगभग 89% किताबें जो है वो पढ़ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दौरा धंधा चल रहा है। मतलब ये कि 90% किताबों की जो एमआरपी है वो जस्टिफाई नहीं है, उन किताबों की जो मार्केट में उपलब्धता है वो जस्टिफाई नहीं है, फर्जी आई है वाली किताबों के क्या मायने, फर्जी आई वाली किताबों के मायने ये है कि ये किताब ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी, ये किताब उसी व्यक्ति के पास मिलेगी जिसने की फर्जी आई छापा है। इस किताब का एमआरपी से कोई संबंध नहीं, केवल प्रिंटिंग की कॉस्ट पर एमआरपी आपकी जो मर्जी में आएगी वो लगा है। तो 11 स्कूलों में 90% किताबें लगभग 88% किताबें आई एस बी एन फर्जी है।